नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर, साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु। ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वास्तु साइंस, हम साइंटिफिकली जा रहे हैं इस साइंस को समझने का। जो हमारा वे है वो साइंटिफिक है टोटली। पार्ट वन से हम डिस्कस कर रहे कंटिन्यूसली साइंटिफिक चीजें। ओके दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप पार्ट वन से ये सब सीरीज फॉलो करोगे तो इस साइंस का आपके पास बेसिक फंडामेंटल का नॉलेज और साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज आपके पास होगा ही होगा। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था 16 जोन्स एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, 16 दिशाएं और उसके क्या गुणधर्म है, ये हमने देखा था। ओके, कौन सी डायरेक्शन हमें क्या देती है। जिस तरह से मैं बताते आ रहा हूं आपको कि 16 डायरेक्शन में किसी भी भवन का वास्तु पुरुष मंडल में ग्रीडिंग होता है और वो 16 डायरेक्शन में 16 जोन से कुछ ना कुछ चीजें हमें मिलती है। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, नॉर्थ से हमें मनी एंड अपॉर्चुनिटी मिलती है, ईस्ट से सोशल कनेक्शन मिलता है, साउथ से फेम एंड रिलैक्सेशन मिलता है, वेस्ट से गेन्स एंड प्रॉफिट मिलता है। वैसे हरेक एक जोन हमें कुछ ना कुछ देता है। अब आप याद करिए पार्ट वन, जिस पार्ट वन में क्रिएटिव डिस्ट्रक्टिव साइकिल फाइव एलिमेंट्स मैंने डिस्कस किए थे। ओके, एलिमेंट्स एंड इट्स कलर एंड इट्स शेप्स, ये भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। ओके, तो आज ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, दिस इज द बेसिक शक्ति चक्रा डायग्राम। जिस तरह से मैंने इस शक्ति चक्रा को या वास्तु पुरुष मंडल के जो चक्र है वो मैंने समझा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किसी भी भवन में 16 जोन में इस तरह से आप ग्रेडिंग करेंगे सेंटर पॉइंट प्लॉट करने के बाद। ओके, तो आज का ये समझेंगे शक्ति चक्र किस तरह से है। तो हमारा वाटर एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है ये समझना बहुत जरूरी है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से हमारा वाटर एलिमेंट स्टार्ट होता है। ओके, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहां तक हमारा वाटर एलिमेंट है। ऊपर मैंने शेप्स भी दिखाए हुए, वेव शेप जैसा कि हमारा डिस्कशन हुआ है, कलर कौन सा है, ब्लू और ब्लैक। ओके, देन नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है क्रिएटिव साइकिल से मैं आपको समझा रहा हूं, वो साइकिल आप याद करिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से हमारा वुड एलिमेंट स्टार्ट होता है अप टू द ईस्ट साउथ ईस्ट। ओके, एक दो और तीन, थ्री जोन्स है हमारे पास वुड एलिमेंट के। ओके, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, देन शेप्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर शेप। ओके, देन फायर एलिमेंट हमारा साउथ ईस्ट से स्टार्ट होता है अप टू द साउथ, ये थ्री जोन हमारे फायर के है। ओके, ट्रायंगल शेप, रेड कलर, ऑरेंज कलर। देन हमारा अर्थ एलिमेंट SLW साउथ साउथ वेस्ट से स्टार्ट होता है अप टू द साउथ वेस्ट, मींस ये दो ही जोन हमारे अर्थ एलिमेंट के है। ओके, अर्थ एलिमेंट ये दो जोन ही रिप्रेजेंट करते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट WSW, देन वेस्ट तो नॉर्थ वेस्ट, ये स्पेस एलिमेंट है। सर्कुलर शेप, कलर व्हाइट, सिल्वर, ग्रे। ओके, तो ये हो गए एलिमेंट एंड इट्स शेप्स, किस तरह से ये एलिमेंट्स कहां कहां तक है शक्ति चक्र में, ये बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओके, किसी भी भवन में आप सेंटर पॉइंट प्लॉट करके, ओके, इस तरह से अगर 16 डायरेक्शन में उसका एंगुलर डिवीजन कर देंगे और ये आपको मैग्नेटिक नॉर्थ प्रॉपरली पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ दैट स्पेस तो ये ग्रीडिंग आपका जो है इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन ग्रीडिंग ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, जो इस शक्ति चक्र में बहुत सारी चीजें है, आई विल शेयर द इमेज ऑफ शक्ति चक्र विद यू ऑल्सो। ओके, आपके साथ वो शेयर करूंगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप याद करिए दोस्तों, मैंने आपको डिस्ट्रक्टिव साइकिल और कंट्रोल साइकिल भी डिस्कस की हुई है। ओके, तो फायर के हमारे कितने जोन है, 1, 2 एंड 3। ओके, दिस थ्री आर फायर जोन्स। फायर के लिए कौन सा एंटी एलिमेंट होगा, वाटर इज एंटी एलिमेंट फॉर फायर, मींस वाटर के जगह पे फायर अगर आ जाएगी या फायर के जगह पे वाटर आ जाएगा तो दिस टू आर एंटी एलिमेंट बोथ इच अदर, दोनों के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा है अर्थ एलिमेंट। ओके, वाटर अर्थ एलिमेंट के लिए क्या है, एंटी एलिमेंट है। वाटर क्या कर देगा, अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। देन वुड ऑल्सो अर्थ एलिमेंट के लिए, वुड एलिमेंट भी एंटी एलिमेंट है। ओके, देन वेस्ट जो है वो वुड के लिए एंटी एलिमेंट है, वुड जोन के लिए, मींस एयर एलिमेंट के लिए एंटी एलिमेंट है। और एयर जोन जो है वो वेस्ट मेटल स्पेस एलिमेंट के लिए एंटी एलिमेंट है। तो कौन सा जोन कौन से
जोन को एंटेलमेंट ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, हमने जैसा कि आपको समझाया है तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे एंट्रेंस। ओके, टोटली हम 32 एंट्रेंस में ग्रेडिंग करते हैं किसी भी भवन के मेन एंट्रेंस का। 32 एंट्रेंस होते हैं, हर एक दिशा में 8-8 एंट्रेंस होते हैं। नंबर 8 नंबर नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर ईस्ट के एंट्रेंस देखेंगे, उसके क्या एट्रीब्यूट्स है, कौन सा एंट्रेंस में क्या देता है, कौन सा पॉजिटिव एंट्रेंस होता है, कौन सा निगेटिव एंट्रेंस होता है। ओके, आगे चल के 45 देवता भी इस शक्ति चक्र में हम डिस्कस करेंगे, किस देवता का किस तरह से नेचर है और कौन सी डायरेक्शन है, कौन से जोन में कौन से देवता विराजमान है। आई विल डिस्कस दैट डीपली विथ यू ऑल्सो। तो दोस्तों, आप आज से अगर ये ग्रेडिंग शुरू कर देंगे, किसी भी आपका घर का एक मैप लीजिए, उस मैप पे ऐसा एक एंगुलर डिविजन में आप सेंटर पॉइंट प्लॉट करके उसका ग्रेडिंग कर दीजिए और नॉर्थ एक्यूरेट आपको पता होने के बाद में ग्रेडिंग के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट में कौन सी एक्टिविटी हो रही है। ओके, इसके बाद कंपोनेंट्स जो है इंटरनल कंपोनेंट्स, जैसे कि बेडरूम किचन हॉल, ये कंपोनेंट्स कौन सी डायरेक्शन में फिट होते हैं, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होना इंपॉर्टेंट है वास्तु के वास्तु साइंस के इससे, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो यू कैन डायरेक्टली कमेंट, आई विल आंसर। ओके, सो थैंक यू सो मच।